हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का दूसरी क्लास में। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको फायर सेफ्टी और फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। और लास्ट में मैंने बताया था आपको 5S टेक्निक, जो जापानीज वो थी स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। ठीक, अगर जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। यहाँ शुरू करते हैं आज, जो है ट्रेड हैंड टूल्स है, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स और लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड्स। लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड्स अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि टूल्स अभी थोड़े ज़्यादा हैं इसमें। ठीक, टूल्स करने के बाद हम लोग लिफ्टिंग ऑफ हैवी लोड्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आता है आपका प्लायर्स। ठीक, प्लायर्स, प्लायर्स क्या होते हैं? प्लायर्स आपको पता होगा, प्लास हिंदी में बोलते हैं इसको। प्लायर्स आपके जनरली इलेक्ट्रिकल वर्क को संभालने के लिए किए जाते हैं, वायर्स और प्लेट्स को संभालने के लिए किए जाते हैं, ग्रिपिंग के लिए मेनली इनका काम होता है प्लायर्स का। और यहाँ पे हमारे सिलेबस में आपके पांच टाइप के प्लायर दिए हुए हैं, पांच, 5 टाइप्स ऑफ प्लायर दिए हुए हैं। पाँचों तरह के आपको प्लायर याद करने हैं। जनरली एक सिक्स या सेवन टाइप का प्लायर भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल के वक्त बताऊँगा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन प्लायर से स्टार्ट कर, सबसे पहले वही कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, कई चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक, आपको कई चीज़ें, कैसे, जैसे ये पाइप ग्रिप हो गई है ना, ये गोल ग्रिप होती है, इससे आप पाइप वगैरह को ग्रिप कर सकते हैं, पतली पाइप हो चाहे मोटी पाइप हो। थोड़ी सी जो है राउंडेड ग्रिप होती है, ये आपका सरफेस ग्रिप होती है, इससे आप वायर वगैरह को ग्रिप करते हैं जनरली। ठीक, ये आपका यहाँ पे जॉइंट कटर होता है, कोई हार्ड वायर होगी तो यहाँ जॉइंट से कटती है वो, और नॉर्मल वायर होगी आपकी, सॉफ्ट वायर होती है जो आपकी घरों वगैरह में लगती है तारे, वो साइड कटर से यहाँ से कटती है, हार्ड वायर के लिए जॉइंट कटर होता है। ठीक, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, क्योंकि इससे आप लगभग सारे काम कर सकते हैं। कटिंग हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, कटिंग, ट्विस्टिंग, पुलिंग, होल्डिंग एंड ग्रिपिंग स्मॉल जॉब्स इन वायरिंग असेंबली, ठीक, एंड रिपेयरिंग वर्क। ठीक, सारा काम इसका वायरिंग में और छोटे छोटे कामों में, इसका ग्रिपिंग का और कटिंग का मेन काम होता है। ठीक, सेकेंड आपका आता है फ्लैट नोज प्लायर्स। फ्लैट नोज प्लायर आपने शायद नहीं देखा होगा, ऐसा दिखता है। ठीक, ये क्या है, व्यू फ्रॉम एक्स लिखा हुआ है, यहाँ सामने का व्यू ऐसा होता है इसका, है ना, ये सामने का व्यू है इसका, ये ऐसे पतला सा होता है, फ्लैट सरफेस होती है इसकी। ये जनरली आपका किसी भी मेटल शीट या मेटल की, या मेटल का ऑब्जेक्ट हो या प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शीट वाली ऑब्जेक्ट होती है उनके काम आता है। फिर आता है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर सामने से ऐसा गोल दिखता है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, एंड लार्ज व्यू फ्रॉम एक्स, सामने से इसका व्यू आपका थोड़ा गोल होता है। ठीक, जनरली इसका काम क्या होता है, ये इसकी नोज और लंबी होती है, यहाँ तो काफ़ी छोटी बनी हुई है, और इसकी लॉन्ग नोज होती है, यहाँ तक इसकी नोज आती है। और ये कोई भी आपको जैसे ऐसे किसी इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसको आपको ग्रिप करना है, बहुत दूर दूर की चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ग्रिप करने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर यूज़ होता है। इसमें साइड में यहाँ पे एक कटर भी दिया होता है, एक साइड कटर भी दिया होता है, तो आप दोनों को इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ लॉन्ग नोज प्लायर्स में यहाँ पे जो है जॉइंट कटर भी दिया होता है, लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं होता है। जनरली आपके यहाँ साइड कटर और ये ग्रिपिंग सरफेस ही आपको दी जाती है। फिर आती है आपकी साइड कटिंग प्लायर्स। ठीक, साइड कटिंग प्लायर्स या डायगोनल कटिंग प्लायर्स, दोनों चीज़ इनको बोला जाता है। ठीक, जनरली इसमें ऐसे साइड कटर ही दिया होता है, सिर्फ कटिंग के लिए होता है, थोड़ा नॉर्मल प्लायर से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, और इससे आप सामने से आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। इन सब में एक एडिशनल फीचर दिया जाता है कटिंग का, कि आप साइड बाय साइड कट कर लो, इसमें आपको सिर्फ कटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, जनरली ये वायर्स वगैरह को काटने के लिए यूज़ होता है, जो थोड़ी मोटी वायर्स होती हैं उनको काटने के लिए यूज़ होता है। फिर लास्ट वाला आपका होता है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर आपका जनरली बहुत कम काम आता है, आपका हुक्स वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक, हुक और जो है वायर के ऐसे लूप्स बनाने के काम आता है, हुक और लूप बनाने के ही काम आता है। सारे जो प्लायर्स होते हैं इनका एक डिफाइंड साइज होता है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये कि 150 mm टू 200 mm, ठीक, ये इसका साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक, जनरली आपका 150 टू 200 mm ही होता है, ये वाले प्लायर्स होते हैं, ये सारे छोटे प्लायर्स होते हैं। ठीक, तो आपको 100 150 mm, 100 150 mm, 100 150 mm यहाँ पर दिया होता है। बस आपका जो है फ्लैट नोज प्लायर 100 150 और 200 में आता है। ठीक,
क्योंकि शीट वगैरह थोड़ी बड़ी होगी तो उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा बड़ा प्लायर चाहिए। अब इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका जान लो। ठीक भाई, लोगों की नाक होती है ना, किसी लोग की लंबी नाक होती है, देखी होगी आपने, तो लॉन्ग नोज प्लायर्स, लंबी नाक होती है ना। कुछ लोगों की जो है गोल नाक होती है, तो राउंड नोज प्लायर है ना। कुछ लोगों की नाक ऐसे चपटी होती है, ऐसे फ्लैट होती है, तो फ्लैट नोज प्लायर। तीन हो गई, तीन हो गई ना, तीन हो गई। जिसकी लंबी नाक होती है वो क्या करता है, दूसरों की बात काटता है, कटिंग प्लायर हो गया है ना, साइड कटिंग हो गया, खत्म। सबको मिला दो, कॉम्बिनेशन प्लायर, खत्म खत्म, बस हो गया। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीन तरह की नाक होती है, चौथी जिसकी तीसरी तरह की नाक होती है ना, ये वाली नाक होती है लॉन्ग नोज जिसकी होती है ना, वो दूसरों के बातों में बहुत बातें काटता है। ठीक, तो साइड कटिंग, कटिंग प्लायर्स हो गए। ठीक, और सबको मिला दोगे तो कॉम्बिनेशन प्लायर, खत्म हो गया, प्लायर खत्म, आगे चलो। ठीक, यहाँ पे केयर एंड मेंटेनेंस दी हुई है। प्लायर्स को हैमर की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत लोग करते हैं। ठीक, प्लायर्स को लार्ज साइज कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स के नहीं काटना है। ठीक, बहुत बड़े जो डायमीटर्स के वायर हैं, ठीक, उनको नहीं काटना है, क्योंकि वो तो पहली बार तो कटेंगे नहीं, उसके बाद आपका जो है प्लायर भी डैमेज हो जाएगा। ठीक, वाइल यूजिंग द प्लायर अवॉइड डैमेजेस टू द इंसुलेशन ऑफ हैंड ग्रिप्स, इंसुलेशन को डैमेज से बचाएं। ठीक, और ल्यूब्रिकेट हिंज पोर्शन, मतलब वही आपको बेसिक केयर एंड मेंटेनेंस इसकी रखनी है। ठीक, फिर आता है आपका स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भाई बहुत कॉमन सी चीज़ है, स्क्रू ड्राइवर जिसने नहीं देखा उसने ज़िंदगी नहीं देखी है। ठीक, ये देखो यहाँ बना हुआ है, कैसे नहीं देखा भाई स्क्रू ड्राइवर, सबने देखा है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर अलग अलग साइज का आता है। ठीक, और इसके स्टैंडर्ड साइजेस भी होते हैं, बट जनरली क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं तो सबका एक बेसिक साइज होता है कि हाँ भाई ये छोटा वाला है, ये मीडियम वाला है, बड़ा वाला है, बस है ना। ये तीन दिए हुए हैं यहाँ पे, तीन चार साइज के और आते हैं, जनरली चार या पांच साइज के आपको आते हैं। ठीक, उसमें भी जो है ये आपका जो ब्लेड लेंथ है, ये ब्लेड ब्लेड बोलते हैं इसको, ये ब्लेड की लेंथ भी अलग अलग आती है, क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटा वाला जो है स्क्रू ड्राइवर आता है, पॉकेट में फिट हो जाता है, एक थोड़ा बड़ा आता है, एक उससे भी एकदम बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर आता है, एक थोड़ा मीडियम स्क्रू ड्राइवर है, तो बहुत तरह के स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, तो आपको इसमें साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इंसुलेशन जो है, ये इसकी आपकी ये इंसुलेशन हो गई है ना, ये इंसुलेशन आपकी जनरली वुड की है बनी होगी, या अब तो प्लास्टिक की ही बनती है, अब प्लास्टिक के अलावा आपको नहीं मिलेगी इंसुलेशन, वुड इंसुलेशन अब पुरानी हो गई है, और ये आपकी ब्लेड हो जाती है। ठीक, ये पार्ट आपका ब्लेड हो जाता है, जो मेटल पार्ट होता है ब्लेड होता है। कुछ जो है ये स्क्रू ड्राइवर्स में आपका ब्लेड वाला पोर्शन, जो इतना पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन में भी आपका इंसुलेशन लगा हुआ होता है, ताकि आपको जो है इलेक्ट्रिकल वर्क में भी ये काम आ जाए, जनरली लगा होता है। ठीक, तो वही ऑब्वियसली ये स्क्रू ड्राइव करने के काम आता है, स्क्रू ड्राइवर है इसका नाम, तो स्क्रू खोलने के लिए या स्क्रू बांधने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए, स्क्रू को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसका एक और वेरिएंट आता है, ठीक, ये दूसरे तरह का एक आता है, यहाँ पे जो ये फ्लैट है ये ऐसे स्टार में बना होता है, ऐसे प्लस टाइप का आपको दिखता होगा। ठीक, तो जो वो वाले स्टार वाले स्क्रू होते हैं वो उनको ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसकी जो है केयर शीट होगी यहाँ। ठीक, कीप टिप इन करेक्ट शेप, टिप को सही रखना है, और स्क्रू ड्राइवर को लीवर नहीं, एज अ लीवर नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक, स्क्रू ड्राइवर से नहीं, कुछ लोग बहुत ऐसे फोर्स लगाते हैं ऐसे करके मोड़ते हैं उसको, ठीक, तो उसकी स्टेम बेंड हो जाती है, यहाँ ये ब्लेड बेंड हो जाएगी उसकी, उसको ख़राब नहीं करना है। जिस काम के लिए जो चीज़ बनी है उसी काम के लिए वो चीज़ यूज़ करनी है, इधर उधर काम करेंगे तो आपका टूल भी ख़राब होगा, आपको इंजरी होने के चांसेस भी होंगे, और काम भी नहीं होगा, ठीक, काम ही नहीं होने वाला। उसके बाद आता है केयर शीट आ गई। हाँ, एक और चीज़ की इसको, हाँ नहीं, वो अलग चीज़ है। स्क्रू ड्राइवर्स के भी एक्चुअली कई सारे टाइप्स आते हैं, आपको बताऊँगा, स्टार स्क्रू ड्राइवर आता है, स्टार तो ये वाला चलिए मैंने बता दिया, प्लस वाला आता है, एक और हेक्सागोनल में आता है। ठीक, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जनरली आपका स्टार हेड और ये वाला ही आता है। फिर आता है आपका नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर आपने देखा होगा, नियॉन टेस्टर आपका जो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, जनरली स्क्रू ड्राइवर के ही शेप का आगे उसको बना दिया जाता है, ताकि आप उसको मल्टीपर्पज़ दूसरे कामों के लिए भी यूज़ किया जा सके। वो जनरली आपका 250 वोल्ट के आसपास होता है, आप मार्किंग होती है उस पर, या 500, बड़ा वाला जो होता है वो 500 वोल्ट तक की मार्किंग होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ।
100 to 250 वोल्ट्स, बट रेटेड टू 500 वोल्ट्स। ठीक, 100 to 250 जनरली उसकी रेटिंग होती है, आप बड़ा वाला लोगे तो उसकी 500 वोल्ट्स की रेटिंग होती है। उसमें एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है ना नियॉन टेस्टर, यहाँ पे इसके एक नियॉन वो लगी होती है बल्ब, ये है ना नियॉन बल्ब लगी होती है, नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस की बल्ब यहाँ लगी होती है, नियॉन गैस फिल्ड ट्यूब होती है। ठीक, और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने, क्योंकि भाई लाइन है, लाइन को डायरेक्ट आप टेस्ट करोगे तो ये आपको छूने से ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एक हाई वैल्यू का रेजिस्टर लगा दिया जाता है। रेजिस्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, रोक के रखता है। ठीक, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो यहाँ से जब आप लाइन चेक करते हैं तो यहाँ से एक एक एंड से इसको फेज मिलता है ना, एक एंड से लाइन मिलती है, दूसरे एंड से रेजिस्टर के थ्रू आपके हाथ पे बैक फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन आपके हाथ से इसको अर्थिंग मिल जाती है, तो ये बल्ब ग्लो करता है जब यहाँ पे आपको लाइन मिलती है। इसका काम यही होता ही है, इसका काम लाइव लाइन को चेक करने के लिए होता है कि कौन सी लाइन लाइव है। ठीक, इसको आपने अक्सर देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका केयर एंड मेंटेनेंस है, बेसिक सा केयर एंड मेंटेनेंस है, इसका वोल्टेज जो रेंज है उसके अंदर का ही वोल्टेज पे टेस्ट करना है, सर्किट जो है वो कंप्लीट करना है आपको। ठीक, मतलब ये नहीं कि आप इसको लाइन पे टच कर रहे हो, पीछे से नहीं टच करोगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको अर्थ अगर नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, नियॉन टेस्टर काम नहीं करता है। ठीक, और अगर इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक, इसकी टिप अगर स्क्रू ड्राइवर है, जनरली स्क्रू ड्राइवर वाली टिप होती है, इस पर आगे टिप है, तो इसको लाइट वर्क के लिए यूज़ करना है, हैवी वर्क के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यूज़ द स्क्रू ड्राइवर टिप नियॉन टेस्टर फॉर लाइट ड्यूटी वर्क ओनली। ठीक, इस पर हल्का काम करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर नहीं है। ठीक, स्क्रू ड्राइवर एक उसको दे दिया गया है ताकि उसको आप हल्के फुल्के वर्क के लिए मल्टीपर्पजली यूज़ कर लो। ठीक, उसका काम स्क्रू ड्राइव करना नहीं है, तो हल्के फुल्के काम के लिए आप यूज़ करिए सिर्फ। फिर आता है आपका इलेक्ट्रीशियंस नाइफ, ये आपने नहीं देखा होगा, इलेक्ट्रीशियंस नाइफ फिलहाल उतना ज़रूरी भी नहीं है, आप किसी नॉर्मल नाइफ से भी काम चला सकते हैं, बट इन्होंने एक स्पेशल नाइफ दे रखा है, जनरली 50 mm और 75 mm की इसकी ब्लेड लेंथ होती है, और ये जनरली आपकी वायर्स की जो ऊपर इंसुलेशन लगा होता है उसको निकालने के ही काम आता है जनरली, और किसी और कोई काम नहीं है। ठीक, इंसुलेशन रिमूव करने का काम, देखिए यहाँ लिखा हुआ, डू नॉट यूज़ नाइफ फॉर कटिंग वायर, कटिंग करने के लिए नहीं यूज़ करना है, रस्ट फ्री रखना है, उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए, कीप वन ऑफ द ब्लेड्स इन अ शार्प कंडीशन, एक ब्लेड जो है हमेशा उसको यूज़ करनी है ना, उसको शार्प रखना है, एक ब्लेड यूज़ करनी है, एक ब्लेड शार्प रखनी है, ताकि इमरजेंसी में आप दूसरी ब्लेड भी यूज़ कर सकें, और फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज़, भाई जब यूज़ ना हो आपको पॉकेट वगैरह में रखना हो तो आप इसको फोल्ड करके रखिए। ठीक, फिर आता है आपका फोर फोल्ड बॉक्स वुड रूल। ठीक, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये पुराना हो गया, अब मिलता नहीं है फिलहाल, ये अब पुराना, काफ़ी पुराना हो गया वैसे ये। ठीक, तो फोल्डेड रूलर होती है सिंपली आपकी, जनरली 1 फीट 4 फीट की पूरी रूलर होती है ना, यहाँ 60 दिया हुआ है, 5 कल 5 60 60 60 इंचेज है इसमें, बट जनरली आपका 4 फीट की होती है, एक एक फीट की ये रूलर होती है, 12 12 इंचेस की। इसका जनरल काम ये है कि भाई आप फोल्ड करके इसको पॉकेट में ले जा सकते हो और 4 फीट तक की वो नाप सकते हो, फिलहाल तो इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब मेजरिंग टेप्स आ गए हैं, तो मेजरिंग टेप्स तो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसका फिलहाल कुछ खास काम है नहीं, अब नहीं रह गया है, ठीक, पहले रह वो हुआ करता था, क्योंकि पहले जो है जो मेजरिंग टेप्स थे वो कॉमन नहीं थे, वुड रूल आती थी पहले, अब तो ये आएगी भी नहीं, आपको नहीं मिलेगी जल्दी। ठीक, फिर आता है हैमर, हैमर में इसमें यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी का वो दिया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा इसमें टूल्स हैं नहीं। ठीक, हैमर बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन भी आते हैं, यहाँ पे बॉल पिन हैमर दिया है, यहाँ पे एक बॉल होती है, यहाँ ऐसे बॉल शेप होता है और यहाँ पे आपका नॉर्मल फेस होता है। ठीक, अब इसको बॉल पिन हैमर क्यों बोलते हैं, ये जो होता है ना ये इसका पिन पार्ट होता है ना, पीछे वाला पार्ट, तो ये जब बॉल शेप का होता है तो उसको बॉल पिन बोलते हैं, जब ये क्रॉस शेप का होता है तो उसको क्रॉस पिन बोलते हैं। ठीक, इस वजह से इसका नाम पड़ता है। ठीक, तो ये बॉल है तो इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। ठीक, इनका जो है ये हार्ड स्टील से बना होता है इसका फेस वगैरह। ठीक, आपके नेल्स के लिए मतलब कील वगैरह के लिए यूज़ होता है, आपका कोई शीट मेटल को मोड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को तोड़ने वगैरह के लिए यूज़ होता है, जनरली जनरल वर्क है इसका।
इसकी केयर एंड मेंटेनेंस है कि लूज़ हैंडल के साथ इसको नहीं यूज़ करना है ना। अगर हैंडल, अगर ये इसका हेड निकल रहा है तो इसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हेड निकल सकता है, इंजरी हो सकती है किसी को भी। ठीक। फेस ऑफ द हैमर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीज एंड मशरूम्स। ऑयल, ग्रीज एंड मशरूम का मतलब खाने पीने वाली चीज़ नहीं। इस ये जो फेस होता है, इस पर कोई भी स्लिपेज नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जब स्ट्राइक करो इसको, हैमर को यूज़ करो, तो वो स्लिप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको इंजरी लगेगी। तो स्लिपिंग के लिए इस पर कोई भी चीज़, फंगस वगैरह नहीं लगनी चाहिए। मशरूम वगैरह वही का है, ऑयल ग्रीज मशरूम है ना, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक। फिर आता है आपका ट्राई स्क्वायर। अच्छा, ट्राई स्क्वायर देख लेना, ट्राई स्क्वायर थोड़ा ज़रूरी है। ठीक। ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर स्क्वायर भी बोलते हैं। ट्राई स्क्वायर करता क्या है? ट्राई स्क्वायर का काम होता है 90 डिग्री चेक करना। सिंपल इसका यही काम होता है, 90 डिग्री चेक करना और स्ट्रेटनेस चेक करना। ठीक। ट्राई स्क्वायर करता क्या है कि कोई भी चीज़, कोई जैसे मान लीजिए आपको जॉब है, ठीक, उस पर फ्लैट सरफेस है ऊपर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फ्लैट सरफेस है कि नहीं? आप सिर्फ देखने से नहीं पता चला सकते। ठीक। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा। प्लस अगर वो जॉब किसी भी मशीन पे बंधा हुआ है, किसी मशीन पे लगा हुआ है, ऑलरेडी उस पर वर्क चल रहा है, तो आप डेफिनेटली देख के नहीं बता पाओगे कि वो सीधा है कि नहीं। ठीक। तो उसको चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। ये इसको आप, ये एरिया जो होता है, इससे आप चेक करते हैं कि जो आपका जॉब है वो सीधा है कि नहीं। ठीक। और यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिया होता है। ठीक। तो यहाँ पे आप जॉब रख के चेक कर सकते हो कि वही वो जॉब सीधी है कि नहीं, 90 डिग्री पे पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक। सेम काम इसका भी है। ठीक। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक। ये वाला पोर्शन पतला होता है, ये वाला पोर्शन पतला होता है, ये वाला भी, ये पूरा। ठीक। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये मेटल, ठीक, ये पोर्शन थोड़ा मोटा होता है। ठीक। तो इसका यही काम है, और कोई काम खास है नहीं इसका, बट ये ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है, और इसके बिना आप नहीं पता लगा सकते कि आपका जॉब परफेक्ट है कि नहीं। ठीक। फिर आता है आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ट्राई स्क्वायर का ही दिया हुआ है। ठीक। वन इज बेवल्ड एज विद स्टॉक, अदर इज फ्लैट एज विदाउट स्टॉक, वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेन, परपेंडिकुलर एंड एट राइट एंगल। ठीक। यही देखने का काम आता है। ठीक। टू स्ट्रेट ब्लेड्स सेट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर कंस्टिट्यूट द ट्राई स्क्वायर। ठीक। दो ब्लेड्स होती हैं, ये दो ब्लेड्स आपकी लगी होती हैं, हो गया। ठीक। इसका कुछ खास काम नहीं है। ठीक। ये देखिए लिखा हुआ है, द स्टॉक शुड बी सेट अगेंस्ट द एज ऑफ द जॉब। ठीक। आपको जॉब पे लगा के इसको देखना होता है। ठीक। ये है ना फेस ऑफ स्टॉक। तो अगर आपको 90 डिग्री चेक करना है, तब तो ठीक है, आप यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से चेक कर लो। ये वाला थोड़ा चौड़ा होता है ना, ये वाला मैंने आपको बताया पहले, ये थोड़ा सा मोटा होता है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ऐसे इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो अगर आपको फ्लैट सरफेस चेक करना है ना, तो आप इससे चेक करो। ठीक। इससे आप चेक कर सकते हो कि 90 डिग्री है कि नहीं। फ्लैट सरफेस इससे भी चेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि इससे फ्लैट सरफेस नहीं चेक होगा, इससे भी फ्लैट सरफेस चेक होगा, इससे भी फ्लैट सरफेस चेक होगा। बट अगर सिर्फ आपको फ्लैट सरफेस चेक करना है, तो आप नीचे वाले से चेक करिए। अगर आपको 90 डिग्री और फ्लैट सरफेस पूरा बड़े एरिया पे चेक करना है, तो आप इससे चेक करिए, दोनों का काम सेम है। फिर आता है आपका चिजल। चिजल क्या होती है? चिजल मतलब छेनी, छेनी आपने देखी होगी, छेनी बहुत कॉमन है। ठीक। फिर्मर चिजल। ठीक। और भी टाइप की चिजल आती हैं। ठीक। फिर्मर चिजल इस शेप की वजह से कहा गया है, और भी तरह की चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पे ये सेफ्टी वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए है, इसलिए इसमें सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें दी गई हैं कि चिजल को कैसे यूज़ करना है, चिजल में क्या सेफ्टी रखनी है ना, प्लायर्स कैसे यूज़ करने हैं, प्लायर्स में क्या सेफ्टी रखनी है, हैमर्स कैसे यूज़ करने हैं, हैमर की क्या सेफ्टी है। सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ आइडिया दिया जा रहा है एक, ठीक, कि किस तरह के टूल से आपको वो कराया जाएगा, क्या क्या टूल है, क्या क्या उसको कैसे यूज़ करना है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी पूरा टूल का आगे चैप्टर है, प्रैक्टिकल में पूरा सिर्फ टूल ही टूल है, सिर्फ टूल है। ठीक। तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी बाद में आएगी। ठीक। या वुडन हैंडल, या अब तो प्लास्टिक हैंडल आ गई है यहाँ पे, यहाँ प्लास्टिक हैंडल होती है, और ये मेटल या स्टील का बना होता है ये आपका। ठीक। अलग अलग विड्थ में आता है, ठीक, और अलग लेंथ में भी आता है, 150 mm जनरल लेंथ होती है, 200 mm की भी लेंथ में आता है, और ब्लेड की जो है विड्थ, ये आपके स्टैंडर्ड साइज है। ठीक। 6 mm, 12 mm, 18 mm और 25 mm।
ठीक, ये आपके स्टैंडर्ड साइजेस हैं। जनरली वुड वुड वर्क में ही यूज़ होता है, ठीक, और कहीं इसका खास कुछ काम नहीं है, ठीक। इसके इसका केयर शीट ये है कि भाई इसको स्क्रू ड्राइवर कितना नहीं यूज़ करना है, ठीक। चिजलिंग के लिए मैलेट यूज़ करना है, यहाँ पे आपको इसको हैमर से नहीं मारना है, इसको मैलेट से मारना है। मैलेट मतलब हैमर ही होता है आपका, बट हैमर का हेड में जो ये मेटल का बना होता है ना, ये स्टील का बना होता है। स्टील की जगह मैलेट आपका वुड का बना होता है या तो रबर का बना होता है, ठीक, जो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक, ताकि बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर ना पड़े, ठीक। ग्राइंड ऑन वाटर स्टोन एंड शार्पन ऑन ऑयल स्टोन, ठीक। इसको जब ऑब्वियसली आप इसको करेंगे तो इसकी धार कम होती जाएगी, तो इसको वाटर स्टोन पे ग्राइंड करना है, ठीक। वाटर स्टोन मतलब जो ग्राइंड स्टोन होता है, इसमें ग्राइंड करने के लिए एक छोटा सा पत्थर आता है, ठीक। तो एक वाटर स्टोन होता है, एक ऑयल स्टोन होता है, ठीक। तो वाटर स्टोन तो आपके नॉर्मल ग्राइंडिंग के लिए काम कर जाता है, ऑयल स्टोन और फाइन ग्राइंडिंग के लिए, और बहुत अगर आपको प्रिसाइज ग्राइंडिंग करनी है तो आपको ऑयल स्टोन यूज़ करना होता है। वाटर स्टोन आपका पानी में वैसे भिगा के यूज़ करते, पानी में सोख कर लेता है। ऑयल स्टोन आपका ऑयल में यूज़ करते, ठीक, उसमें आपको मशीन ऑयल होता है वो यूज़ होता है, मिनरल ऑयल, ठीक। डू नॉट यूज़ इन प्लेस वेन नेल्स आर ड्रिवन, ठीक। अगर कोई इसकी कील है, ठीक, वुड में कोई कील लगी हुई है तो वहाँ पे यूज़ नहीं करिए, अदरवाइज इसका एज डैमेज हो जाता है, ठीक। फिर आती है आपकी टेनन सॉ, ठीक। अब आप कहोगे ये वाली सॉ तो मैंने देखी ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखी होगी, क्योंकि जो आप जनरली यूज़ करते हैं वो हैक सॉ होती है, ठीक। ये टेनन सॉ होती है, ये जनरली आपका वुड वुड काम वुड काटने के काम आती है ना। ये बड़ी सी आप चौड़ी सी ब्लेड देखिए, है ना, ये आपके वुड काटने के काम आती है, आपके जो है मेटल वगैरह नहीं काट सकती है, ये आपके वुड काटती है, ठीक। इसको टेनन सॉ बोलते हैं। जनरली इसमें कुछ है नहीं खास, आगे चलता हूँ। वुड रेस्ट पाइल, ठीक, इसमें ज़्यादातर वुड वर्किंग के ही दिए हुए हैं शायद, ठीक। वुड रेस्ट पाइल, वुड रेस्ट पाइल का आपने देखा होगा, ये बहुत रफ एज होता है, ठीक, ये दिख रहा है ना, ये बहुत रफ होता है, बहुत ज़्यादा रफ होता है ये, बड़े बड़े ऐसे दिख रहे होते हैं, उसमें दिखेगा आपको, वो ड्रेस फाइल में आपको दिखाऊंगा, ठीक, उसमें साफ साफ ऐसे दिख रहा होता है, ठीक। तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक। जैसे वुड है तो उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको निकालना है, उसके लिए यूज़ होता है, फिनिशिंग के लिए आपका नॉर्मल फाइल यूज़ होती है, जिसमें आपका ये बना होता है ना, ये ऐसे पूरे में रहता है, तो ये आपका नॉर्मल फाइल फिनिशिंग के लिए यूज़ होती है, रॉ वर्क के लिए, ठीक। पहले जो रॉ मटेरियल वर्क करते हैं उस पर आपकी वुड रेस्ट फाइल वुड के लिए यूज़ होती है, मेटल के लिए ये नहीं यूज़ होती, ठीक। फिर आता है आपका फाइल, फाइल आपके आपको सबको पता है फाइल क्या होती है, आपकी जो है मेटल वर्किंग में वुड वर्किंग में दोनों में काम आती है, ठीक। मेटल वर्किंग में एक्चुअली ज़्यादा काम आती है, ठीक। और टीथ अलग अलग होते हैं, इसके अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, ठीक, और आपकी राउंड आती है, आपकी स्क्वायर आती है, आपकी जो है ट्रायंगुलर फाइल आती है, अलग अलग उसके ग्रेड्स होते हैं, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा, आगे पूरा उसका चैप्टर है, उसको भी बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसकी केयर शीट आप देख लीजिए कि फाइल को हैमर कितना नहीं यूज़ करना चाहिए, बिना हैंडल के नहीं यूज़ करना है इसको, ठीक, और इसको फेंकना नहीं है, और या तो ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए इसको, फाइल को कभी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इसके टीथ डैमेज हो जाते हैं, फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक। आपकी जनरली सिंगल कट या डबल कट में आता है, ठीक, जनरली अगर है तो सिंगल कट ही ऐसे सिंगल कट रहेगा, डबल कट में ऐसे क्रॉस में दूसरा कट भी रहेगा, ठीक, यहाँ पे वो दिया नहीं हुआ, आगे के चैप्टर में दिया हुआ है। फिर आपका आता है प्लम बॉब, प्लम बॉब क्या होता है, प्लम बॉब आपने देखा होगा, ये होता है ना, ये आपने देखा होगा जब घर वगैरह बनता है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। जो वर्कर्स होते हैं वो प्लम बॉब को यूज़ करते हैं, किस लिए, अगर आप इसको ऐसे टांग दोगे ना तो जो स्ट्रिंग है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में झुकेगी, क्योंकि यहाँ ये बॉब लगा हुआ है ना, ये बॉब लगा हुआ है तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगी, ये सीधी होगी हमेशा, आप इसको टांगेंगे तो ये लाइन हमेशा सीधी रहेगी, तो ये दीवार की या किसी कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, ठीक, तो उसको पता करने के लिए यूज़ होती है कि भाई ये चीज़ सीधी है कि नहीं, ठीक, ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ सीधी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, तो उससे ये चीज़ इस चीज़ से पता चल जाता है, क्योंकि ग्रेविटी पे वर्क करती है ना, तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, ग्रेविटी पे वर्क करती है तो एकदम सीधी रहेगी हमेशा ग्राउंड पे, तो आप इससे पता कर सकते हो कोई भी चीज़ जो है वो लगी हुई है या रखी हुई है वो सीधी है कि नहीं, ठीक। और इसके बाद आता है ब्रॉडल,
ठीक, आपको ब्रॉडल स्क्वायर पॉइंटेड और आपका पुकर आता है। ठीक, अगर स्क्वायर पॉइंटेड होगा तो ब्रॉडल बोलते हैं इसको। ठीक, इस आगे स्क्वायर पॉइंट होता है इसका, स्क्वायर टिप्ड होगा तो ब्रॉडल बोलते हैं। और आपका अगर नॉर्मल होगा, गोल सा होगा, तो इसको पोकर बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका वुडन लकड़ियों में है ना, लकड़ी में इसका इससे हल्का सा आप मार्किंग कर देते हैं, ठीक, ताकि उसमें स्क्रू जा सके, क्योंकि स्क्रू की एक टिप होती है, और स्क्रू की टिप को अगर आप पहले से होल में नहीं लगाएंगे तो वो ड्राइव नहीं करता, वो अंदर नहीं जाता। तो इसको पोकर का और ब्रॉडल का यही काम होता है कि आप उसको हल्का सा मार्क कर देते हैं, उसके बाद स्क्रू उसमें आराम से चला जाता है। ठीक, इसका यही काम है। यहाँ पे टूल्स की आपको बेसिक वो नॉलेज मिली, आप चिंता मत होइए कि बहुत तेज़ चलना हो। ठीक, आगे एक एक टूल समझाऊंगा, ये अभी बेसिक टूल्स दिए हुए हैं सिर्फ, कैसे सेफ्टी किस टूल की रखनी है। ठीक, केयर एंड मेंटेनेंस, इसको मेटल पे नहीं यूज़ करना है। ठीक, मैंने बताया ना अभी वुड के लिए यूज़ होता है, ये मेटल के लिए नहीं यूज़ करना है, ख़राब हो जाएगा। ठीक, और इसको जो है शार्पेंड कंडीशन में रखना है, नहीं तो वुड में मार्किंग आप नहीं कर पाओगे, है ना, शार्प कंडीशन में रखना है। ठीक, फिर आता है आपका गिमलेट, फिर आता है आपका गिमलेट। ठीक, गिमलेट क्या करता है, यहाँ पे फीड शुरू होता है, यहाँ पे वो होता है। ठीक, इसमें जो है वुड में छोटे छोटे छेद करने के काम आता है। जनरली अब ये भी नहीं काम आता, क्योंकि जनरली अब ड्रिल मशीन्स आ गई, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन्स आ गई हैं, तो अब इसका कुछ खास काम है नहीं, बट फिर भी अब किस सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, देखिए 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm। ठीक, बहुत छोटे होल्स के लिए यूज़ होता है, बड़े होल्स के लिए नहीं यूज़ होता। ठीक, इसकी सेफ्टी शीट है भाई, हैंडल के बिना यूज़ नहीं करना है। ठीक, सेम चीज़ जो आपने चिजल में की थी वही करनी है ना। चिजल में मतलब क्या किया था, नेल्स पे नहीं यूज़ करना है, अगर कोई कील वगैरह आ गई तो उस पे नहीं यूज़ करना है, नहीं ख़राब हो जाएगा। ठीक, और इसको स्ट्रेट करना है हमेशा, ड्रिलिंग करेंगे जब आप, तो ड्रिल कोई भी करते हैं आप, होल बनाते हैं, तो हमेशा उसको स्ट्रेट रखना होता है, सीधा रखना होता है, ठीक, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा। ठीक, हाँ, फिर आपका आता है सेंटर पंच, ये ज़रूरी है। ठीक, ये ज़रूरी है, सेंटर पंच आपका ज़रूरी है। सेंटर पंच का काम क्या होता है, सेंटर पंच भी मार्किंग का काम करता है, सेंटर पंच भी आपका मार्किंग का काम करता है, होल्स ड्रिल करने के लिए है ना, मेटल्स में। ठीक, ये आपका टूल स्टील का बना होता है। ठीक, सेंटर पंच आपका टूल स्टील का बना होता है, और ये आपका जनरली मेटल पे मार्किंग करने के काम आता है, मेटल पे मेटल शीट पे आपके काम आता है। इसका जो सामने वाला ये होता है, ये जनरली 90 डिग्री का होता है, या कुछ में 60 डिग्री का भी होता है। ठीक, तो आप जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि वो कितने का है, जनरली 90 डिग्री का होता है। ठीक, और ये जो है एंड्स इसके हार्ड होते हैं, यहाँ पे ग्रिपिंग होती है, ताकि आप इसको पकड़ के उस पर मार्क लगा के फिर उस पर काम कर सके, उसको ड्रिल कर सके, या जो भी आपको करना है। ठीक, क्योंकि मेटल पे जल्दी मार्किंग नहीं हो पाती है। ठीक, इसकी केयर और मेंटेनेंस सिंपल है ना, टिप शार्प रखनी है, प्रॉपर एंगल पे आपको यूज़ करना है, अवॉइड मशरूम हेड्स, सेम चीज़ है भाई, ग्रीस फ्री या मशरूम फ्री रखना है, ख़राब नहीं करनी है टिप। ठीक, फिर आता है मैलेट, मैलेट पिछले में यूज़ किया था ना, मैंने कहा था जब चिजल, जब आप छेनी यूज़ करते हैं तो आपको मैलेट यूज़ करना चाहिए, है ना, ये होता है मैलेट। ठीक, इसका जो सिंपल ये है ना, वुडन हैंडल तो सेम है, वुडन हैंडल सेम है, ये सामने जो ये हेड होता है ये आपका वुड का बना होता है, दोनों वुड का बना होता है। ठीक, बाय वेट यूज़ होता है आपका, ठीक, आपका वेट और या डायमीटर। ठीक, दो दो तरह में आता है, आप डायमीटर में ले सकते हो, ठीक, या वेट में ले सकते हो, कि 500 ग्राम का मैलेट या 1 kg का मैलेट, बड़े वर्क के लिए हैवी मैलेट लिया जाता है। ठीक, इसकी केयर और मेंटेनेंस, इसके कील के लिए नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये मैलेट है, ये सॉफ्ट एज होता है, ये वुड है इसलिए सॉफ्ट होता है, तो इससे आप कील नहीं ठोक सकते हो, कील का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, नेवर यूज़ इट ऑन हार्ड मेटल लाइक स्टील और आयरन, वही सेम चीज़ है, कील वगैरह मेटल वगैरह के लिए ये नहीं होता है। ठीक, फिर आता है आपका रैचेट ब्रेस। ठीक, रैचेट ब्रेस आपने देखा होगा, ये देखा होगा, क्योंकि ये आपका पुरानी वाली ड्रिल मशीन की तरह है ना, रैचेट ब्रेस है आपका, ये आपकी पुरानी वाली ड्रिल मशीन होती है। ठीक, वुड अप्रासी इस हेड होता है, यहाँ आप पकड़ के इसको घुमाते हो, ठीक, तो ये ड्रिल करता जाता है धीमे धीमे। ठीक, ये भी आपकी वुड वर्किंग में काम आता है, वुड में छोटे छोटे होल्स करने के लिए ये भी सेम काम करता है। ठीक, कुछ खास नहीं है, देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू ड्रिल होल्स ऑन वुडन ब्लॉक्स। ठीक, वुडन ब्लॉक्स में होल्स के लिए काम आता है।
फिर आता है आपका कोल्ड चिजल। ठीक, अब चिजल, फिर्मर चिजल में और कोल्ड चिजल में फ़र्क क्या है? कोल्ड चिजल आपकी फुल मेटल होती है ना, ये पूरा पार्ट आपका मेटल का बना हुआ है, पूरा पार्ट स्टील का बना हुआ है, स्टील का या टूल स्टील का, ये पूरा पार्ट टूल स्टील का आपका बना हुआ है, पूरा पार्ट मेटल है। तो इस पर आप थोड़ी हैवी जॉब्स डाल सकते हो। ठीक, अगर आपकी जो हैवी जॉब्स का मतलब आपकी मेटल के तो पर्टिकुलरली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे आप दीवारें होंगी है ना, दीवारों के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें कोई पीछे से वुडन वगैरह का वो नहीं दिया गया है, पूरा आपका चिजल जो है नॉर्मल आपका वर्किंग चिजल है ये। ठीक, और यहाँ आपके साइजेस दिए हुए हैं, इसका साइज़ वगैरह याद करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट स्टैंडर्ड साइज़ याद कर लो। ठीक, 100 mm, 150, 150 आपका, 100, 200 mm, जनरली ये साइज़ आते हैं सारे टूल्स के। राउंड और हेक्सागन, भाई ये गोल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। इसका एज एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल 35 to 45 degrees होता है। ठीक, कुछ खास नहीं है, काम सेम ही करता है दोनों। ठीक, मेंटेनेंस इसकी देख लीजिए, मेंटेनेंस शीट है इसकी। एज ऑफ चीजर मस्ट बी मेंटेन एज पर द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक, एंगल से उसको यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, और ग्राइंडिंग अ चिजल अप्लाई कूल एंड फ्रीक्वेंटली। हाँ, आप इसको, क्योंकि ये वाली चिजल थोड़ी हार्ड होती है, ठीक, तो आप इसको जब ग्राइंड कर रहे हो, इसको शार्प कर रहे हो, तो इसको ल्यूब्रिकेट करके शार्प, उस पर मैं बाद में आऊँगा। ठीक, टूल्स वगैरह पे बाद में आऊँगा। रॉल प्लग टूल एंड बिट। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आपका जनरली, अब मैं कैसे समझाऊँ, आपका होल्स वगैरह के ही काम करना आता है, बट होल्स आजकल हम लोग ड्रिल मशीन से करते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हो कि पुराना वाला ड्रिल मशीन का वर्जन है दीवार में छेद करने का। ठीक, इसका मुझे कुछ काम खास याद नहीं है। ठीक, क्योंकि हम लोग ये बहुत कम यूज़ करते हैं, तो ये वाला टूल बहुत कम यूज़ होता है। ठीक, जनरली आपका ये टूल बिट होती है, तो आपका दीवारों में मैनुअली होल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसकी केयर शीट भी सिंपल है, स्लाइटली रोटेट द होल्डर आफ्टर ईच हैमरिंग स्ट्रोक। ठीक, सेम चीज़ है, हैमरिंग ड्रिल बिट का काम करता है आप एक तरह से समझ लो। ठीक, बट सारा काम मैनुअल है। ठीक, होल्ड द टूल स्ट्रेट, स्ट्रेट रखना है, ग्राउंड पे नहीं फेंकना है, ज़मीन पे मत फेंकना, पटकना वटकना नहीं है। ठीक, हेड फ्री ऑफ मशरूम, वही वही चीज़ है, साफ़ सफाई रखनी है इसकी। ठीक, फिर आता है स्पैनर आपका। ठीक, स्पैनर और रिंग स्पैनर, अच्छा स्पैनर के टाइप्स हैं। स्पैनर के देखिए, यहाँ पे आपको चार टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक, चारों याद करने, क्योंकि चारों आते हैं। ये होता है आपका डबल एंडेड। ठीक, इस पर दोनों एंड्स आप यूज़ कर सकते हो, है ना, दोनों एंड्स का जनरली साइज़ एक साइज़ अलग होता है। ठीक, जैसे अगर इसका 13 है, तो इस वाले का 14 होगा। ठीक, दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, यहाँ पे साइजेज आपको दिए हुए हैं। ठीक, दूसरे तरह का जो स्पैनर होता है, वो आपका होता है रिंग स्पैनर। ठीक, रिंग स्पैनर में यहाँ यहाँ आपको रिंग दी हुई होती है, यहाँ यहाँ होती है रिंग। रिंग के बाद आप जो है इसमें पूरा फुली आप लगा सकते हो, फुली लगा के यूज़ कर सकते हो। फिर आपका आता है सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर तो जनरली बहुत कम यूज़ होता है। ठीक, ये क्योंकि आपको हैंडल दी होती है, एक सॉकेट दी होता है, ड्राइव अटैचमेंट होती है, आप अलग अलग अटैच करके इसको सॉकेट लगा के, सॉकेट चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। अब तो ये इलेक्ट्रिक में भी आ चुका है, तो कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ठीक, बट ये टाइप है। ठीक, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे सिंगल एंडेड ओपन जॉ एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक, एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर आपको याद होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्पैनर, ये है आपका एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक, तो आप यहाँ से इसको रोटेट करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो आप लगभग सारे काम में ये सारे जॉब्स को एक संभाल लेता है, क्योंकि एडजस्टेबल होता है। ठीक, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डू नॉट यूज़ इट एज हैमर। ठीक, हैमर की तरह नहीं यूज़ करना है। ठीक, इसको स्ट्राइक नहीं करना है हैमर से, क्योंकि जनरली ये ड्रॉप फोर्ज्ड होता है। ठीक, कास्ट आयरन का बना होता है और ड्रॉप फोर्ज्ड होता है। ठीक, तो अगर आप इसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे या ज़मीन वगैरह गिराएंगे, तो ये टूट जाएगा, तुरंत टूट जाता है, ये क्रैक हो जाएगा। ठीक, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है। ठीक, तो आपको इसको जो है ठोक पीट नहीं करनी है। ठीक, यूज़ करेक्ट स्पैनर सुटेबल, वही सेम चीज़ है, इसको एडजस्ट करके यूज़ करना है। फिर
फिर आता है आपका मेजरिंग स्टील टेप, मैंने पहले ही बताया था रूलर की जगह आजकल मेजरिंग स्टील टेप यूज़ होता है ना, आप स्टील टेप का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन दी होती है, ठीक, इसको आप यूज़ करते हैं। जनरली आपका 2 to 3 meters लॉन्ग का होता है, 2 से 3 meter लॉन्ग का होता है, ठीक, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं होती। फिर आती है आपकी हैक्सॉ, ये मैंने पहले बताया था, अभी बताया था मैंने, ठीक, वो आपकी जो टेनन सॉ थी, ये आपकी हैक्सॉ आती है, ठीक। हैक्सॉ में आप यहाँ पे ब्लेड फिक्स करते हैं, जो ब्लेड आपको सूटेबल लगे, ठीक, जो ब्लेड सूटेबल लगे, मतलब वुड की ब्लेड अलग होती है, वुड की ब्लेड में जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, मेटल की ब्लेड में आपके टीथ बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। तो जो आपको सूटेबल लगे वो यहाँ लगा सकते हैं, इससे आप जो है वुड भी काट सकते हैं, इससे मेटल भी काट सकते हैं, इससे पाइप वगैरह कुछ भी काट सकते हैं, ठीक। यहाँ केयर शीट दी हुई है, ब्लेड शुड बी प्रॉपरली टाइटन, प्रॉपर टाइट करनी है ब्लेड, ढीली नहीं छोड़नी है, ठीक। कटिंग के वक्त कूलेंट यूज़ करना है, ठीक, कूलेंट मतलब आप जनरली मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या स्पेशलाइज्ड कूलेंट भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। इट शुड बी स्ट्रेट ड्यूरिंग कटिंग, टेढ़ा करके नहीं काटना है, अदरवाइज टूट जाएगी ये ब्लेड, ठीक। लिफ्ट द सॉ स्लाइटली ऑन रिटर्न स्टोव, ठीक। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, जब भी टूल समझाऊंगा तब आऊंगा, ठीक। डू नॉट अटेम्प्ट टू सॉ टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी सॉ नहीं करना है, धीमे धीमे आप करिए, ठीक, धीमे धीमे। कभी भी सॉ से है ना, ये होती है हैक सॉ या टेनन सॉ, किसी भी सॉ से आपको काटना होता है कोई चीज़, तो आप धीमे धीमे उसको काटते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी नहीं काटते हैं। फिर आता है आपका पिंसर्स, पिंसर्स वही, यहाँ पे इसका छोटा सा एंड होता है, इस एंड से आप नेल्स को यानी कील को पकड़ते हैं और इसको घुमा देते हैं, है ना, इसको ऐसे घुमा देते हैं तो ये वुड से अपने आप बाहर आ जाती है, ठीक। इसको आप जो है, बहुत लोग प्लायर्स भी यूज़ करते हैं, प्लायर नहीं यूज़ करना चाहिए, प्लायर ख़राब हो जाते हैं, पिंसर्स यूज़ करने चाहिए, ठीक। पिंसर यहाँ से आप पकड़ के उसको निकाल सकते हो आराम से। यहाँ लिखा हुआ देखिए केयर शीट में, सिंपल है, डू नॉट यूज़ इट हैमर, ठीक, हैमर की तरह नहीं यूज़ करना है, ठीक। फिर आपकी आती है हैंड ड्रिल, ये तो आपने देखी होगी, ये तो पुराने ज़माने की हैंड ड्रिल है, ठीक, ये हैंड ड्रिल है, ये हैंड ड्रिल है आपकी, मैं जो है ये स्मॉल हैंडल है, फिक्स हैंडल है, इसको आप यहाँ से पकड़ के इस हैंडल को रोटेट करते थे, ये रोटेटिंग वाली को, और ये चक मूव करते थे, यहाँ पे ड्रिल बिट लगा के ड्रिल करते थे। जनरली ये वुड के काम आता था, ठीक, आप इसको वॉल में भी यूज़ कर सकते थे, बट ये हैवी वर्क के लिए जो है सफिशेंट नहीं था, हैवी वर्क आप इसमें नहीं कर सकते थे, ठीक। फिर आता है आपका ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, ये भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक, यहाँ पे आप ड्रिल बिट चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक, और इलेक्ट्रिक होती है तो आपको ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं होती, इसको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है बहुत कॉमन होती है, मतलब आप इससे जो है वुड में भी छेद कर सकते हो, आप इससे जो है मेटल आर्टिकल्स में भी छेद कर सकते हो, आप इसमें जो है आपके वॉल्स होती है, दीवारों में भी आप होल कर सकते हो, ठीक। तो इसमें जो है ये एक कॉमन वो होता है, तो जनरली आजकल सब लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक। इसकी केयर एंड मेंटेनेंस है भाई, ल्यूब्रिकेट करके रखना है मूविंग पार्ट्स को, फिक्स द ड्रिल बिट फिरने ऑन जॉब, ठीक, ड्रिल बिट सही से लगानी है ना, इसको लॉक कर देना है सही से, ठीक। बिफोर ड्रिलिंग मार्क द जॉब विद द सेंटर पंच, अभी सेंटर पंच मैंने दिखाया ना, अभी सेंटर पंच मैंने दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, ये है सेंटर पंच, ठीक। तो सेंटर पंच से मार्क करके ही ड्रिलिंग की जाती है, मैंने बताया ना ड्रिलिंग के लिए आपको मेटल पे जब मार्किंग करनी होती है तो आपको सेंटर पंच का यूज़ आता है, ठीक। फॉर टेकिंग आउट द ड्रिल मूव द चक इन द रिवर्स डायरेक्शन, अगर ड्रिल आपको बाहर निकालनी है तो चक उल्टा मूव करना है, या जनरली एक स्विच होता है, ठीक, उसको आप कर दे तो ये उल्टा मूव करता है, ठीक। अगर आपकी बिट छोटी है ना, अगर आप छोटी बिट या पतली बिट यूज़ कर रहे हैं छोटे होल्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं अप्लाई करना है, ठीक। और अगर आप इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अर्थिंग और इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ये तो भाई कॉमन सेंस है, ये तो भाई करना ही है, ठीक। फिर आते हैं स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ चीज़ें हैं जो टूल से हटके हैं, ठीक है। जनरली आपका हैवी इक्विपमेंट की लिफ्टिंग वगैरह के लिए है, ठीक, किस तरह से लिफ्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जनरली फॉर्म वगैरह के बारे में है, तो इसको मैं बाद में अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक। वैसे भी क्लास आज लंबी हो गई है, ठीक। तो टूल्स का आपको बेसिक सेफ्टी वो था, ठीक, आज की क्लास में कुछ खास था नहीं, टूल्स वगैरह था, लास्ट क्लास जरूर पढ़ लेना, पिछली वाली जो क्लास थी वो फायर वगैरह की,
वो बहुत ज़रूरी थी। आज की क्लास में आपको टूल्स का बेसिक वो पता चला। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये टूल्स वगैरह कंप्लीट कर दूँ। ट्रेड प्रैक्टिकल भी आपका शुरू होने वाला है बहुत जल्द, तब तक के लिए देखते हैं क्या होगा। ठीक, आगे आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।